प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम साबूदाने के पापड़ बनाना बताएंगे, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये बड़े वाले साबूदाना है, जैसे हम एक बाउल और ये आधा बाउल, डेढ़ बाउल साबूदाना डाले हैं, तो इसमें डेढ़ बाउल पानी डालेंगे। आप कोई भी ब्रांड का साबूदाना ले सकते हैं, छोटा बड़ा उसी तरीके बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई मेहनत नहीं। तो सबसे पहले हम इसको अच्छी तरीके धुल लेते हैं साबूदाना को। अब डेढ़ बाउल पानी डालेंगे और 5 घंटा के लिए रख देंगे, ताकि बढ़िया से साबूदाना फूल जाए। ये डेढ़ कटोरी हो गई है। पांच घंटा हो चुका है, ये देखिए कितना बढ़िया फूला फूला खिला खिला साबूदाना हो गया है, मुलायम हो गया है, बढ़िया से अंदर तक फूल चुका है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये कलर है, खाने वाला कलर, 3 कलर हम ले लिए हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। आप इसमें व्रत वाला नमक डाल सकते हैं, जिसे सेंधा नमक आता है, तो आप इस पापड़ को व्रत में भी खा सकते हैं। अच्छे से हमने नमक को मिला दिया है। अब इनको कलरदार बनाएंगे, तो बाउल में इस तरीके हम साबूदाना रख लेते हैं अलग अलग बाउल में। अब इसमें हम ऑरेंज रेड कलर मिलाएंगे। चम्मच में थोड़ा पानी डाल देते हैं। अब इसमें ग्रीन कलर मिलाएंगे एक बाउल में, इसमें भी पानी डाल देते हैं थोड़ा। और इसमें पीला कलर मिलाएंगे। अब कलर को अच्छे से मिला देते हैं साबूदाना में। सभी कलर अच्छे से हमने मिला दिया है, आइए बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा ऑयल ले लेंगे, कढ़ाई में पानी डालेंगे, स्टैंड रखेंगे, अब जाली रखेंगे, पानी को गर्म होने देते हैं। ऑयल को थोड़ा ढक्कन में लगा देते हैं, प्लास्टिक का ढक्कन है, प्लास्टिक के ढक्कन में बहुत ही आसानी से बनेगा। अब इसमें साबूदाना फैला देते हैं, बढ़िया से फैलाना है, सांस न रहे, इस तरीके हमने फैला दिया है। अब दूसरा ढक्कन लेंगे, इसमें भी ऑयल लगाएंगे, अब इसमें पीला कलर डालेंगे, इनको भी बढ़िया से फैला देते हैं, ये देखिए। तो इसी तरीके हम ढक्कन में तेल लगाकर ऑयल फैला देते हैं साबूदाना को। पानी काफी गर्म हो चुका है, ये देखिए। तो अब इसमें इस तरीके ढक्कन रख देंगे। अब इसको 1 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ताकि बढ़िया से पक जाए, बहुत जल्दी पकता है। इसको हम तिरंगा के आकार में बनाएंगे। ये ऑरेंज कलर डाल दिए हैं, इनको फैला देंगे बढ़िया से। अब सफेद कलर डालेंगे, इनको भी बढ़िया से सेट कर देते हैं। अब हरा कलर डाल देते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया डिजाइन बन गया तिरंगा आकार में। 1 मिनट हो चुका है, ढक्कन हटाएंगे, बढ़िया से साबूदाना पक चुका है। अब इनको निकाल लेते हैं, ये देखिए ये आपस में चिपक जाता है, तब जान जाइए कि बढ़िया से पक गया। इसमें कोई समय नहीं लगता, बहुत जल्दी साबूदाना का पापड़ बनता है। अब इसको रख देंगे, इनको भी 1 मिनट के लिए ढक देंगे। आइए इनको धूप में फैला देते हैं, ये देखिए इस तरीके पटक देंगे, आराम से साबूदाना पापड़ निकल आता है। तो इसी तरीके हम सभी साबूदाना का पापड़ बनाकर तैयार कर लेते हैं। इनको पूरा दिन के लिए धूप दिखा देंगे। अब ऑयल हम नहीं लगाएंगे, एक बार ऑयल लगाने से करीब 8-10 पापड़ आसानी से बन जाता है। ये देखिए ये भी बढ़िया से चिपक चुका है, बढ़िया पक चुका है, इनको निकाल लेंगे, इसको भी ढक देते हैं।
एक डिजाइन ये है, एक डिजाइन ये है, ये देखिए डिजाइन वाला हम बना रहे हैं। इनको भी निकाल लेते हैं, बढ़िया से पक चुका है। अब इनको धूप में फैला देंगे। इस तरीके का ढक्कन आता है ना, जैसे टॉफी वगैरह के, तो आप ढक्कन में जरूर से जरूर बनाइए। और स्टील के बर्तन में बनाने से साबूदाना चिपक जाता है, आसानी से निकल नहीं पाता है। ये देखिए कितना आसानी से निकल रहा है। हम यहाँ आटा की बोरी में पापड़ को फैलाए हैं, आप कोई पॉलीथीन में भी फैला सकते हैं, पॉलीथीन या बोरी वगैरह में, तो ये साबूदाना चिपकता नहीं है। बढ़िया से सूख चुका है एक दिन धूप में, ये देखिए इस तरीके हो गया है, कितना बढ़िया रंग बिरंगे पापड़। तो आइए इन्हें अब छानते हैं। ऑयल काफी गर्म हो चुका है, अब इसमें पापड़ डालेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया फूल रहा है पापड़, साबूदाना का एक एक दाना फूल आता है बढ़िया से। अब इनको निकाल लेंगे। अब हम इसी तरीके साबूदाना का पापड़ छान लेते हैं, जितना हमें खाना है उतना हम छान लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया साबूदाना का पापड़ फूल रहा है। जितना पापड़ हमें खाने की जरूरत थी उतना हमने छान लिया है। इनको थाली में रख लेते हैं, आइए अब सर्व करते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया पापड़ बनके तैयार हुआ है, रंग बिरंगे पापड़। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। ये देखिए कितना क्रिस्पी क्रंची पापड़ बनके तैयार हुआ है। ये देखिए पहले कितना छोटा था और बाद में छानने के बाद कितना बड़ा हो गया है, दुगना साइज में हो गया है। तो इस तरीके आप साबूदाना का पापड़ घर पर आसानी से बनाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा आपका पापड़ बना है। हमारी वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।